हाँ मैया, जय श्रीमन। श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं गुरुजी की प्रश्नोत्तरी में कब जाऊंगी। मैं वृंदावन गई थी गुरुजी, आपकी सभी सेवाएं देख के आई हूँ। अच्छा। माताजी की सेवा, हाँ। मैं भोजन प्रसादी भी वहाँ पाकर आई हूँ जी। पर मेरी इच्छा थी कि मैं भी कुछ दान करूँ। हाँ। तो मेरे छोरे को कहा कि मेरे लिए 11,000 रुपए का दान करो माताओं संत सदांश के लिए। हाँ। तो मेरे बेटे ने बोला कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मैं 500 रुपये महीना डाल सकता हूँ। ठीक है। तो 500 रुपये महीना डालता था और आज भगवान ईश्वर की कृपा से उसका सरकारी नौकरी का आर्डर आ गया है गुरुजी। देखिए, अपने जीवन में आपके द्वारा किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उस पुण्य का फल भगवान देकर ही रहेंगे। गुरुजी, मेरी एक प्रश्न है, और उस बच्चे को आपके उत्तर प्रदेश में ही नौकरी मिली है, तो आप उसको ऐसा आशीर्वाद देना कि वो ईमानदारी से उसका। क्या नौकरी मिली है? NTPC में इंजीनियर। वाह, सुंदर, भगवान सुखी रखे। आपके उत्तर प्रदेश में डाबरी गांव है, मैं नहीं जानती कि कहाँ पे है ना गुरुजी। और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरे पति 2021 में कोरोना में एक्सपायर हो गए, तो क्या वो अकाल मृत्यु है? नहीं, अकाल मृत्यु नहीं है। ये तो ईश्वर की तरफ से उनकी जो मृत्यु का समय सुनिश्चित था वही है। आप ये ना सोचिए कि अकाल मृत्यु। गुरुजी, उस समय हम एक कमरे में हम 2 ही पति पत्नी थे। मुझे गीता के श्लोक याद है, भागवत के श्लोक याद है, सब कुछ याद होने के बाद भी मैं उनको कुछ सुना न पाई। फिर अंत समय में मैंने उनसे, मेरे को एक भागवत रामायण का ये चौपाई याद आई कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम आवत नहीं। तो मैं बोली, जय श्या राम बोलो, जय श्या राम बोलो। उन्होंने 5 बार जय श्या राम बोला। मैंने उनको तुलसी का दल भी खिला दिया। क्या उनका मोक्ष हो जाएगा? बिल्कुल, जो भगवान का नाम लेकर के प्राण त्यागते हैं उनकी सदगति सुनिश्चित है। मैंने उनको तुलसी का, मुझे बहुत पछतावा आता है गुरुजी। कोई पश्चाताप नहीं, आपने अपना पूरा पत्नी का धर्म निभाया और पति को राम नाम के साथ उनकी मुक्ति कराई है। ठीक किया आपने। उस अस्पताल में हमारे पास मेरी बहू ने तुलसी के पत्ते भी भेज दिए थे, तो मैंने उनको तुलसी दल खिलाया, राम नाम का जाप, जय श्री कृष्णा जय श्री राम बोले। अच्छा है। मेरे को बहुत बुरा लगता है गुरुजी, मैं उस समय को, उस कंडीशन को, आप पुराने वक्त को याद करेंगे तो बुरा लगेगा। इसलिए अतीत को कभी याद नहीं करना चाहिए। जो समय बीत गया उसे याद ना करो, जो समय है उसमें आनंद से, प्रसन्नता से रहो। मैं हर बार आपसे सपने में भी बात करती हूँ गुरुजी। मैंने एक बार ये बोला कि मैं बहुत पापी हूँ। मैं भगवान को हर बार रोज पूजा करने के बाद ही कहती हूँ कि भगवान, मैं पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, आप जो भी बोलते हो गुरुजी, मैं आपके सभी नियम फॉलो करती हूँ। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो भी मुझसे त्रुटियाँ हुई है, भूल हुई है, उसे आप क्षमा करके हमें स्वीकार कीजिए। नारायण श्रीमन नारायण। तो आपने मुझे सपने में कहा कि आप 21 सुपारी भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपका सपने में भी मैंने आपसे बात करी गुरुजी। आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैंने भगवान से कहा था कि जिस दिन मैं वृंदावन आ जाऊंगी उस दिन मैं समझ लूंगी कि मैं सब पापों से मुक्त हो गई। और मुझे भगवान ने, मई में मैं वृंदावन गई थी, मैं बद्रीनाथ तक जाके आई हूँ गुरुजी। अच्छा है। आपके श्री चरणों में इस दासी का कोटि कोटि नमन गुरुजी। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। सब बैठे रहो, सब खड़े ना हो। ये मेरी माँ, बोलो भैया। गुरुदेव नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं राधेश्याम शर्मा सनावत से, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा, जिनकी अनादिकाल से अनेक भक्तों द्वारा संपूर्ण पैदल परिक्रमा की जाती है। और उस परिक्रमा का ये नियम है कि उसके जल को यदि हमने लांग लिया, हाँ। तो वो खंडित हो जाती है, ऐसा माना गया है। वर्तमान में जो बड़े बांध बने हैं उससे नहर के माध्यम से नर्मदा जल 100-100 किलोमीटर दूर नर्मदा से दूर चले गए हैं। हाँ। वर्तमान में भी अनेक भक्त प्रति वर्ष यात्रा कर, परिक्रमा कर रहे हैं पैदल, तो नहर के जल को वो लांग भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उनकी नर्मदा परिक्रमा खंडित हो रही है ना, या पूरा पुण्य लाभ मिल रहा है? पूरा पुण्य लाभ मिलेगा। जो मैन धारा है जी, वो तो नर्मदा जी है, अमरकंटक से लेके बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है। वो मैन धारा जो है वो है। अब जो नहर निकल गई वो नर्मदा माँ का ही अंश है, पर वो नर्मदा नहीं है। आप किसी भी नहर को देखते हैं जिसमें नर्मदा का पानी है तो वो नर्मदा का अंश बोला जाएगा। वो ये नहीं बोला जाएगा कि ये नर्मदा है, नर्मदा तो एक ही है, नर्मदा मैया नहीं। पर तो उनकी जो परिक्रमा है वो खंडित नहीं होगी। नहर तो बहुत सारे, बांध तो बहुत सारे बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गुरुदेव, आप अमरकंटक में भी एक स्थान, एक दो जगह ऐसा आता है जहाँ पे गुप्त रूप से नर्मदा जी बही है। हाँ, लेकिन उस स्थान को भी यदि गलती से भूल से लांग दिया तो कहते हैं कि वो खंडित हो जाती है। हाँ, तो वहाँ पार नहीं करना। बाकी जो नहर है, आप जिन बातों का, नहरों की बात कर रहे हैं, उनको लांघने से खंडित नहीं होती। ठीक है जी। नर्मदे हर, मात गंगे हर, जटाशंकरे हर, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खुश रहिए।